ओके क्लास, तो देखिए हमने आपको बता दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम के बारे में कि बेसिकली क्या होता है। अब उसी तरीके से जो दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है बच्चों, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो बेटा इसमें सुनिए बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में विदाउट राइबोसोम, या बेटा इट इज विदाउट राइबोसोम, इसके पास कोई राइबोसोम नहीं होते, इनके सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होते, इसी वजह से ये प्रोटीन भी नहीं बनाते। आप खुद देखो, प्रोटीन कौन बनाएगा? प्रोटीन तो वही बनाएगा ना जिसके ऊपर राइबोसोम है, क्योंकि प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं। तो बेटा इट इज विदाउट राइबोसोम, इसके पास कोई राइबोसोम नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या सेक्रेट करता है? लिपिड्स, सेक्रेटिंग लिपिड्स। उसके बाद भी इसका काम क्या है? ये लिपिड को बनाता है। अब लिपिड क्या है, इसको आप भूल जाओ, एक तरीके से एक लिक्विड, एक तरीके से एक कंपाउंड, एक सब्सटेंस है लिपिड, जैसे जस्ट लाइक अ फैट, जैसे फैट होता है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसी तरीके से एक और चीज है जिसका नाम है लिपिड्स, LIPIDs। आगे सुन लीजिए, ठीक है? तो जैसे इसका काम क्या था, प्रोटीन बनाना, इसका काम क्या है, लिपिड बनाना। आगे सुन लीजिए, ये सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है, लीवर सेल्स में। किसमें? लीवर सेल्स, जैसे ये पैंक्रियाटिक सेल्स में कंपलसरी है, उसी तरीके से वो किसमें है बेटा, लीवर सेल्स में, ठीक है? और ये किस किस से मिलके बना होता है? इट इज मेनली फॉर्म, जैसे ये किससे मिलके बना है, प्लेटन सैक, जिसका नाम है सिस्टर ने, CISTERNA, उसी तरीके से बच्चों ये जिस चीज से मिलके बना है वो है बेटा बेसिकली आपका वेसिकल्स एंड ट्यूबल। इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूबल्स। तो ये दोनों में अंतर है, आप उतार लीजिए, दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, बस जिस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर राइबोसोम आ गया वो तो हो गया स्मूथ, और सॉरी रफ, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं आता वो सेक्रेटिंग। इसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। इसका काम क्या है? लिपिड को बनाना। इसके अंदर क्या पाया जाता है? सिस्टर्न ने। इसके अंदर वेसिकल और ट्यूब्यूल्स। ये पैंक्रियाटिक सेल में पाया जाता है मेनली, और ये लीवर सेल से पाया जाता है। और यहां पर मेरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम खत्म। अब लिखिए इसके फंक्शन, ठीक है? मैं रेस कर रहा हूं इसको, कोई भी दिक्कत है आप मेरे से पूछेंगे इसके। अब लिखिए इसके फंक्शन, ERK। तो बेटा दोनों के फंक्शन देखो, पहला फंक्शन, जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं, जैसे आपके अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, लीवर भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है, सब कुछ है ना, इंटेस्टाइन है आपका, रीढ़ की हड्डी है, ब्रेन है, लेकिन उसको सबको एक फ्रेम, एक जो हमारा ढांचा, वो किसने दिया है? हड्डियों ने दिया है ना। अगर हड्डी ना होती तो क्या मैं सीधा खड़ा हो पाता? अगर हड्डी ना हो पाती तो क्या मुझे सपोर्ट मिल पाता, स्केलेटल सपोर्ट मिल पाता? नहीं ना, सब बेकार हो जाता, चाहे दिल हो कितना भी काम का हो, मगर जब तक मुझे कोई, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर से पहले ढांचा तैयार होता है, ढांचा कहते हैं ना, ढांचा, फिर ढांचे के ऊपर प्लास्टर किया जाता है, पुताई की जाती है, फिर कमरे बनते हैं, फिर उसके अंदर चीजें रखी जाती हैं। तो यानी एक फ्रेम देते हैं ना, हम घर को भी अपना एक फ्रेम बना के रखते हैं ना, फ्रेम। जैसे मान लीजिए ये मेरा चश्मा है, ठीक है? ये चश्मे का, इसका कोई कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, बट काम इसका है मेन लेंस का, लेकिन इन इस चश इस फ्रेम के बिना, ये जो फ्रेम है इसके बिना ये लेंस बेकार है, क्योंकि इन्होंने इसको क्या दे रखा है? सपोर्ट दे रखा है। तो उसी तरीके से जब ये पूरे अंदर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सेल के अंदर पूरी तरीके से फैला हुआ है, तो जो काम हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां करती हैं वही काम सेल के अंदर ये करता है। तो लिख लीजिए, इट फॉर्म्स सपोर्टिंग, यानी सपोर्ट, आप खुद देखो ना कितना बड़ा है, तो एक तरीके से सपोर्ट देता है पूरे सेल को। इट फॉर्म सपोर्टिंग स्केलेटल, जैसे हमारी हड्डियां हमारे लिए सपोर्ट देती हैं, हम सीधा खड़े हो पाते हैं, टेढ़े मुड़ पाते हैं, चल पाते हैं। स्केलेटल फ्रेमवर्क, किसको? सेल को। स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, आप खुद देखो ये सारा काम किसका है, ये प्रोटीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लिपिड्स साथ में सपोर्ट दे रहा है सेल को। दूसरा क्या है बेटा, आपको खुद बताया मैंने, एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक चीजें पहुंचाता है। मान लो बेटा ये क्या है, न्यूक्लियस, चारों तरफ क्या बना हुआ है, ये नेटवर्क। अब कोई भी चीज सेल के अंदर आई वो न्यूक्लियस तक पहुंचानी है, तो इसी नेटवर्क के सहारे तो होती हुई वो सेल के पास जाएगी,
न्यूक्लियस के पास, समझ गए, इसी के सहारे, इसी रास्ते के सहारे होते हुए तो जाएगी। यानी इसने क्या बना दिया, एक पाथ बना दिया, एक रास्ता बना दिया, किसके लिए, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स के लिए जो बाहर से आ रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल में। जैसे हमारे पास नेटवर्क है ट्रेन का, तो वो हापुड़ से हमें दिल्ली पहुंचा देती है, दिल्ली से मुंबई, उसी तरीके से इसी नेटवर्क के सहारे एक सेल से दूसरे सेल के न्यूक्लियस तक सामान जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो लिख लीजिए, इट प्रोवाइड्स अ पाथवे, मतलब रास्ता, इट प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए आपके पास तक सामान आता है, चिप्स के कुरकुरे, तो वो रोड के सहारे जगह जगह पहुंचाते हुए आते हैं, नहीं आते हैं, जो जो रास्ते शहर में पड़ेंगे जगह जगह वहां पहुंचा देंगे, जी टकाटक यहाँ पहुंचा दो, चिप्स यहाँ पहुंचा दो, कुरकुरे यहाँ पहुंचा दो, वो जगह जगह जो जो शहर रास्ते में आएंगे, तो वही काम ये करता है। इट प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, जो भी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम वन सेल टू, एक सेल से एंड अदर, एक सेल से दूसरे सेल में, समझ गए मेरी बात। इसके बाद तीसरा क्या है बेटा, ये क्या फॉर्म करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन भी तो बनाता है, आपको पढ़ा होगा, आपने अभी पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, वो राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे, अब वो प्रोटीन भी इस रास्ते के सहारे होते हुए जगह जगह सेल्स के पास पहुंचेंगे। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछेंगे, ये हमारा पार्ट खत्म। अब आएगा हमारा अगला टॉपिक, ठीक है, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। हाँ जी, बात करते हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम का सबसे पहले टॉपिक आता है नेचर एंड अकरेंस। ये छोटा सा टॉपिक है, इसे खत्म करो जल्दी से, ठीक है बेटा। आप सबको वैसे तो पता चल ही गया इसका काम क्या है, प्रोटीन बनाना, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर भी, ईआर के अंदर भी, जगह जगह पढ़ते जा रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा सुन लो। देखो सबसे पहली बात तो ये बहुत डेंस होते हैं, बहुत घना, जैसे जंगल घने जंगल होते हैं, घने जंगल बिल्कुल, बहुत डेंस, यानी बहुत सारी इसके, ये सब डेंस का मतलब होता है क्या, जैसे कि बहुत गाढ़ा, गाढ़ा मींस कि बहुत डेंस, जो बहुत चीजों से मिलके बना है, बहुत सारी चीजों से मिलके बना है, डेंस मटेरियल, यानी बिल्कुल भी अंदर इनके बीच में खाली स्पेस है ही नहीं, फोर्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ही नहीं, बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। कैसे होते हैं, कैसी शेप के होते हैं, स्फेरिकल, गोल होते हैं, अभी दिखाया भी था आपको, छोटी छोटी बिंदी जैसे गोल गोल, है ना, कैसे होते हैं, डेंस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली किससे अटैच रहते हैं, रिमेन, अभी पढ़ा था, किसके ऊपर पाए जाते हैं, रिमेन अटैच टू आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी तो पढ़ाया था, ये किससे अटैच रहते हैं, आरईआर। बेटा राइबोसोम के अंदर जो मेन चीज पाई जाती है जिससे वो मिलके बना है, राइबोसोम जिससे मिलके बना है, वो दो चीजें कौन कौन सी हैं बेटा, ये राइबोसोम है, ये भी तो किसी चीज से मिलके बना है, ये जो राइबोसोम है बेटा वो आरएनए, आरएनए, ठीक है, सुनते रहिए मेरी बात, ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम्स आर द राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, जो उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एंड प्रोटीन्स, ठीक है, जो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या क्या है, इसके आरएनए और वो है, लिपिड इसके अंदर नहीं पाया जाता, लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट, लिपिड केवल वहीं पाया जाता है एससीआर में, लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट, इसके अंदर लिपिड नहीं पाए जाते, लिपिड आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, और इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन, ये भी याद रख लो, डोंट हैव, जैसे और सेल ऑर्गेनली के पास मेम्ब्रेन रहती है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन। ये बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं, दो तरीके के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ सेल्स, दोनों सेल में पाए जाते हैं, दोनों में, प्रोकैरियोटिक में भी और साथ के साथ यूकैरियोटिक में, बस किसको छोड़ के, आरबीसी को छोड़ के इसमें नहीं पाए जाते। और उसी तरीके से जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेटा ये भी आरबीसी में नहीं पाए जाते, पहले बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया, याद है मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम,
ये तीनों के तीनों आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाए जाते, याद रखना हमेशा तीनों के तीनों। कल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, अभी मैंने बताया राइबोसोम भी आरबीसी के अंदर नहीं पाए जाते और ईआरबी आरबीसी के अंदर नहीं पाए जाते, केवल किसके, हम लोगों के, मैमल्स के, आरबीसी ऑफ मैमल्स। पढ़ोगे आप डाइवर्सिटी में टॉपिक आरबीसी, ठीक है, खत्म होता है ये वाला टॉपिक। इसके फंक्शन निकलो, फंक्शन तो अभी आपको बता ही चुका हूं, क्या फंक्शन है बच्चों, अभी आपने पढ़ा था इसका फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और ये मेरा टॉपिक राइबोसोम खत्म, राइबोसोम भी खत्म, मैंने कहा ना बस छोटे छोटे हैं बाकी, तो ये हमारा टॉपिक ये वाला खत्म, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है राइबोसोम। लास्ट ऑर्गेनली आप खुद देखो, रास्ता कौन प्रोवाइड करा रहा है, ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता कौन है, राइबोसोम। अब बेटा जब आपकी फैक्ट्री में पहला काम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मैंने पढ़ लिया, राइबोसोम बना रहे हैं, लिपिड बन रहे हैं, प्रोडक्शन के बाद उनको पैकिंग और स्टोरेज, वही काम सेल में जो पैकिंग का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, पैकिंग और स्टोरेज चीजों को, वैसा स्टोरेज नहीं, कभी सोच रहे हो कि वैक्यूल वाला स्टोरेज नहीं, जैसे जो बाद के लिए स्टोर करके रखता है, चीजों को पैक करके रखता है, पैकिंग और स्टोरिंग का जो काम करता है, जो नई नई सेल ऑर्गेनली को वर्क देता है, वो बेटा हमारा गोल्गी एपरेटस है। जैसे सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है और वो सेक्रेटरी हमारे सेल की सेल के सोसाइटी की देखभाल करता है, मेंटेनेंस का चेक हो गया, गार्डनर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, चीजें सही जगह रखी है नहीं रखी है, उसी तरीके से गोल्गी एपरेटस भी सेक्रेटरी है सेल का, किसका, सेल का। तो यही लास्ट टॉपिक है, सुन लीजिए, जो कि लास्ट है हमारा टॉपिक गोल्गी एपरेटस। बेटा ये जो है साइंटिस्ट थे गोल्गी, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी, उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में हमें बताया था, इसलिए उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए इनका नाम के ऊपर इसको रखा गया है। बेटा सुन लीजिए मेरी बात, इसका पहली बात तो सुन लीजिए, ये बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, एब्सेंट इन बैक्टीरिया, गोल्गी एपरेटस बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता, सुनते रहिए जो बता रहा हूँ। साथ के साथ ब्लू ग्रीन एल्गे, जो ब्लू ग्रीन एल्गे होती है एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी नहीं पाया जाता। स्पर्म, जो स्पर्म होता है मैच्योर स्पर्म, उसके स्पर्म मतलब सेक्स सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, सेल, ठीक है, उसके अंदर भी नहीं पाया जाता, ठीक है, क्लियर है, आगे सुन लीजिए बेटा मेरी बात। और साथ में आरबीसी एंड आरबीसी रेड ब्लड सेल में भी नहीं पाया जाता, पहली बात तो ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा गोल्गी एपरेटस के बारे में। आगे सुन लीजिए बेटा, गोल्गी एपरेटस भी एक न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस कह रहा हूं, एक तरीके से ये भी नेटवर्क ही बनाता है, ये भी सुनते रहिए जो बात बताने वाला हूँ। इट अराइजेस फ्रॉम द, ये किससे बनता है दिखाऊंगा कल आपको इमेज इसकी, इट अराइजेस फ्रॉम द, ये कहां से बना है बेटा, जहां जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली जाओ तो दिल्ली के मेट्रो स्टेशन से उतरो, सामने ही पुरानी दिल्ली का दूसरा रेल नेटवर्क है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा समझा रहा हूँ, आप गाजियाबाद से दिल्ली मेट्रो से गए, अलग रूट हो गया, मेट्रो अलग ट्रेन है, और सही सामने पुरानी दिल्ली के सामने ही वहां पर एक दूसरा रूट चल रहा है, किसका, रेलवे का, कौन सा रेलवे का, जो हमारी नॉर्मल रेलगाड़ी है। तो बेटा दो अलग अलग नेटवर्क हो गए, नहीं हो गए, उसी तरीके से ये भी एक नेटवर्क है जो पाया जाता है किसके अंदर, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के पास, किसके करीब, न्यूक्लियस के पास, और किससे अराइज होता है, इट अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेन, कहां से बनता है, इट अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की मेम्ब्रेन से ही अराइज होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा रोड जा रहा है, अब इस रोड से एक नया रूट बना दिया, तो देखो ये नया, ये मेरठ के लिए जा रहा है और ये दिल्ली, तो जैसे ये रूट जा रहा था, अब इसी से एक नया रास्ता बन गया, नहीं बन गया अराइज, उसी तरीके से ये भी किससे अराइज होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की मेम्ब्रेन से, ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। आगे सुन लीजिए बेटा, बेसिकली होता क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है बेटा ये क्या है,
इट इज सेक्रेटरी, बस यही मेन चीज पढ़ो कुछ नहीं, इट इज सेक्रेटरी, मैं पढ़ा चुका हूँ मेन फंक्शन क्या है, ये सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी समझते हो जो सेल की देखभाल करेगा, सेक्रेटरी, ये क्या है आपका एक सेक्रेटरी है, ठीक है, आगे सुन लीजिएगा बेटा, ये क्या काम करता है पैकिंग का, जैसे पैकिंग, इट पैकिंग, जैसे हमारी फैक्ट्री में काम होता है पैकिंग का, वो यही काम करता है, इट पैकेजेस मटेरियल, इट पैकेजेस मटेरियल, ये मटेरियल को पैकेज करता है, इट पैकेजेस मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल, जो भी मटेरियल सेल के अंदर बनता है जैसे प्रोटीन हो गया या कुछ भी हो गया लिपिड फैट, तो उनको पैक करके भेजता है जगह जगह, ठीक है, और साथ के साथ डिस्पैच भी करता है, एंड डिस्पैच, डिस्पैच मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाला काम, कि जी जाओ यहाँ से, डिस्पैच हो गया, जैसे हम लोगों का कोरियर डिस्पैच हो जाता है ना कि निकल चुका है, डिस्पैचेस देम टू द, और डिस्पैच कर देता है यानी जगह जगह पहुंचा देता है, जैसे कि कहाँ कहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस किस के पास पहुंचाता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है कुछ चीज, या फिर लाइजोजोम्स उनके पास तक पहुंचा देता है सामान को, पैकिंग और स्टोरिंग ट्रांसपोर्ट, लाइजोजोम्स हो गया, ठीक है, और साथ के साथ बाहर के सेल्स में भी, आगे सुन लीजिए बेटा, अब बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट फंक्शन, ये वैक्यूल भी बनाता है, जो सेल के अंदर वैक्यूल बनता है ना वो यही बनाता है, इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स, जो सेल के अंदर, तो मैंने बोला ना स्टोरिंग का काम करता है, स्टोरिंग और पैकिंग, तो स्टोरिंग का काम मतलब वैक्यूल बनाता है, तो वैक्यूल क्या काम करता है, स्टोरेज का, तो समझ गए, तो वैक्यूल कौन बनाता है, गोल्गी एपैरेटस, जो स्टोरेज का काम करता है, सुन लीजिए, ठीक है, वैक्यूल्स बनाता है, और साथ के साथ इट कंटेन वैक्यूल्स, और लास्ट में इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, बेटा ये सेक्रेटरी है तो जगह जगह ध्यान देगा, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ये किसमें इन्वॉल्व रहता है, इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, जब प्लांट की सेल वॉल बनती है तो उसमें भी ये हेल्प करता है बनाने में, लाइक अ बिल्डर, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है उसमें भी ये हेल्प करता है बनाने में, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साथ के साथ जब लाइजोजोम बनते हैं, लाइजोजोम्स, उनको भी बनाने में ये हेल्प करता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ सेक्रेटरी देखभाल करता है, स्टोरेज और पैकिंग का काम करता है, जैसे फैक्ट्री में स्टोरिंग और पैकिंग होती है, तो इसको पढ़ते ही हमारा ये वाला चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है, कल हम आगे पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, आपका बेसिकली किसके बारे में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, मेरी तरफ से एक एक चीज खत्म, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अब मंडे से फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा, कल इसका एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो क्लास जरूर लें, आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास।